भाई बहुत मोटी बारिश पड़ने लगी यार, मेरा कैमरा पूरा भीग जाएगा पता। इनके पास स्कूटी बाइक कुछ पकड़ा, इनको लगता है कि बस हम ही है भाई प्रो राइडर सच में। तो यहाँ से हो जाते हैं वो फॉरेस्ट वाले एरिया स्टार्ट। बहुत मोटी गाइस, अबे यार शिट। ओके गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11:04, और अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी मुझे जाना है एक मंदिर, क्योंकि आज है सावन का पहला सोमवार। वैसे तो मैंने घर में पहले पूजा कर दी थी 6 बजे, फिर उसके बाद 8 बजे मैं अपने घर से थोड़ा सा दूर था तो वहाँ पे गया था, फिर अभी ये तीसरे मंदिर में जा रहा हूँ। लगातार यहाँ मुझे वैसे 10 बजे करीबन जाना था, बट जहाँ मैं इससे पहले गया था ना वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी यार, बहुत ही ज़्यादा लंबी। तो अब जहाँ मैं जा रहा हूँ शायद से वहाँ भी इतनी लंबी लाइन है, तो मैंने बोला चलो चले जाते हैं। और वेदर देखो अभी इतना चेंज होने लग गया ना, कभी धूप आ रही कभी बारिश आ रही, तो लग तो रहा है कि बारिश पड़ेगी। अगर थोड़ा बहुत पड़ जाए तो कोई बात नहीं, बट ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए यार। वैसे मैं रेनसूट वगैरह लेके तो आया हूँ, बस होप कि यहाँ पे रेनसूट की ज़रूरत ना पड़े यार, क्योंकि अगर बारिश आती है ना फिर मोटो ब्लॉग भी नहीं हो पाएगा, एंड फिर जहाँ हम जा रहे हैं मतलब कहीं भी घूमने जाते हैं फिर उसका मज़ा भी नहीं आता है। और अभी पहले बस मेरा प्लान था यहाँ जाने का, तो एक दूसरा भाई भी है, तो कल हमारी ऐसी बात हुई थी तो मैंने बोला था कि कल मैं वहाँ जाऊँगा मंदिर, मतलब मेरा भी आज का फिक्स नहीं था कि जाऊँगा नहीं जाऊँगा, फिर मैंने बोला चलो चले जाते हैं, जब मंदिर का नाम लिए है तो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो फिर मैंने उसे पूछा तो उसने बोला ठीक है मैं भी आ जाऊँगा। उसका भी एक दोस्त रहता है इसी साइड जहाँ मंदिर है ना उसी साइड, तो उसने बोला कि चलो साथ में चल लेंगे हम। और वो अभी आ रहा है रायपुर से, तो उसने 11 बजे का वैसे टाइम दिया था, तो वो अभी तक नहीं पहुंचा जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि वरना वो कॉल कर देता। और मैं जानबूझ के लेट आ रहा हूँ, मतलब लेट भी क्या ही आ रहा हूँ यार, इसमें ना थोड़ा सा आगे है मेरे फ़ोन में अभी टाइम होगा, हो रहा 11:01 या 2 मिनट होंगे हो रहे, इसमें थोड़ा सा 4-5 मिनट आगे है मेरी जो ये है ना स्कूटी का टाइम। ओहो अभी स्कूटी में फ्यूल भी नहीं है यार, मुझे फ्यूल अप भी करवाना था। तो देखते हो जहाँ हम जा रहे हैं वहीं पे एक रास्ते में बीच में 2 फ्यूल पंप तो पड़ते हैं, बट वही एज ऑलवेज की तरह कि दोनों अपोजिट साइड पड़ते हैं यार। जब भी ये फ्यूल पंप वगैरह अपोजिट साइड रहते हैं ना, इतना अजीब सा लगता है ना मुझे, कौन जाए रोड क्रॉस करके, वो भी वो फिर मेन रूट है, ऐसे अगर नॉर्मल रोड हो तो चलो क्रॉस कर भी लेंगे, मतलब वैसे भी कर लेंगे, बट फिर वही यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है एंड रिस्की भी रहता है थोड़ा सा। और जो भाई अभी आ रहा है ना, भाई क्या चला रहा है ये देखो ना, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, क्या भाई इनके पास स्कूटी बाइक कुछ पकड़ा, इनको लगता है कि बस हम ही है भाई प्रो राइडर सच में। कैसे कट मार के चल रहा, ना हेलमेट पहन रखा ना कुछ, मतलब भाई क्या समझते यार अपने आप को लोग, मेरा समझ नहीं आता। छोटे छोटे निक्के निक्के बच्चे तो हैं वो अभी, और अपने आप को ज़्यादा प्रो राइडर समझ रहे, क्या बताएं। तो हाँ मैं क्या कह रहा था, तो अभी यहाँ आगे पे एक चौक है, तो वहाँ पे भाई को मैंने यहाँ पे बोला है कि वहाँ पे मिलना, तो मैं तो बस पहुँचने वाला हूँ। भाई को थोड़ा सा लेट हो जाएगी शायद, भाई ट्रैफिक में फंस गया मुझे पक्का लग रहा है। और अभी आपको भाई से भी मिलाता हूँ, जब मैं मिलूँगा तभी आपको भी मिला दूँगा। और अभी मुझे यहाँ पे वेट करना है उस भाई का, बट वो भाई पता नहीं कहाँ है, यहीं पे रुक जाऊँ, चलो यहाँ पे मैजिक वगैरह रुकेंगे, थोड़ा आगे पे रुक जाता हूँ यार। वो भाई तो दिख ही नहीं रहा मुझे, अभी नहीं आएगा, उसका कॉल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो भाई मैं यहाँ पे फिलहाल वेट करता हूँ उसका। ये देखो भाई की अभी कोई कॉल वगैरह कुछ भी नहीं आई, इसका मतलब भाई लेट हो गया भाई। तो चलो मैं अभी वेट करता हूँ, जब भाई आएगा तो तब मिला लेंगे आपसे। तो देखो भाई मैंने अभी भाई को कॉल की थी, तो भाई बोल तो रहा था कि मतलब IMA से आगे आ गया हूँ, तो यहाँ से IMA बस थोड़ा सा ही है, 1-2 किलोमीटर दूर होगा बस, तो बस आई थिंक 1-2 मिनट में तो आ ही जाएगा भाई, तो यार वेट करते हैं थोड़ा सा। मैंने बोला उसे कि आगे आते रहिए और मैं भाई तुझे रोक लूँगा। गाइस मुझे लग रहा भाई कहीं खो गया। भाई 2-3 मिनट हो गए, कहाँ गए हो गए, किधर इधर तो नहीं चले गए के, मैं बोला तो था इधर आई हो। भाई का अभी कॉल आ रहा है कि भाई वहाँ पीछे पे खड़ा हो गया यार, मैंने भाई को बोला भी वही ना कि चौक पे रहना। आ गया भाई आ गया। मैं अबे यार मैंने बोल भी तुझे उधर ही दिया एंकर। अच्छा तू उधर वाले मैजिक पे खड़ा हुआ था, अबे मैं इधर वाले पे बोला था, मैंने बोला नीचे वाले रास्ते। तो गाइस अभी आ गया राहुल भाई, और आप लोग इसको जानते होंगे यार, मैंने एक बार के 3 ब्लॉग में भाई मेरे साथ आया, जब हम ड्रैग रेस करने गए थे, और एक बार संडे राइड पे भी गए थे। और भाई का भी अभी GoPro आ गया, मतलब GoPro Hero 9 भाई ने कुछ टाइम पहले ले लिया, आई थिंक 1 मंथ हो गया होगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। सो यार अभी हम दोनों चलते हैं, और अभी इसका एक और दूसरा दोस्त आना है, वो तो हमें वहीं पर मिलेगा जहाँ हमने जाना है मंदिर पर। भाई ये बादल कितने काले से हो गए यार, बरसेंगे पक्का बादल बरसेंगे। ये है फ्यूल पंप भारत पेट्रोलियम का, इधर पे चलते हैं यार, फिर आगे वाले पे क्या पता भीड़ हो, या फिर क्या पता वहाँ हो ही ना। तो ओह थैंक यू। सो गाइस फ्यूल अप भी अपना हो गया, और मैंने ट्रिप ना यहाँ पे 0 पे सेट कर ली, फिर पता चल जाएगा ना मतलब कि कितना चलेगा, कितने का माइलेज आएगा। ये भाई कहाँ गया, चले गया क्या, अच्छा रुका है। मैं इसी की बात कर रहा था, जब अपोजिट साइड पे फ्यूल पंप होते हैं ना, तो यही वाली रोड क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा आफत लगती है यार मुझे सच में। अरे कोई तो रुक जाओ मेरे लिए प्लीज़। बस 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 अब तो चले जाऊंगा मैं पक्का।
भाई अभी इस वाले रूट पे पहली बार आ रहा है, तो भाई का भी रास्ता नहीं बताना। बस ये यहाँ आगे वैसे एक चौक आएगा, वहाँ पे से हमको लेना है राइट। मैं तो बहुत बार जा रखूँगा जहाँ पे जंगल वाला एरिया आता, जिसको मैं केरला केरला करके बोलता हूँ, तो वहाँ जाना। तो उसी जंगल के अंदर वो मंदिर है ना, तो बस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। अब तो यहाँ से बस होगा 3 या 4 किलोमीटर होगा मैक्सिमम, इसीलिए अभी इतनी लेट जा रहे हैं। अगर वो ज़्यादा दूर होता ना, लाइक 15-20 किलोमीटर दूर, तब तो मैं सुबह निकल जाता वहाँ के लिए 8-9 बजे। ये देखो बिना हेलमेट के इतनी तेज, यार इडियट्स क्यों दिखते हैं मुझे हमेशा ऐसे रोड पे। यार ठीक है, कभी किसी की मजबूरी होती है यार, है ना, कि हेलमेट वगैरह नहीं पहना आपने, कोई बात नहीं। पर भाई तेज़ तो मत चलाया करो, इवन आप थोड़ा सेफ्टी में भी तो चला सकते हो ना, थोड़ा आराम आराम से। अब ये भाई चले गए मुझसे आगे, ये इस चौक से ना आगे ना निकल जाए यार, वैसे तो इसे ध्यान आ जाएगा वैसे कि यहाँ से उधर जाना है। इसकी डीओ की साउंड सुनो भाई, इसने एग्जॉस्ट में ना पता नहीं कुछ तो करा रखा है, मैं पूछना भी भूल गया यार। मतलब एक बार इसने बताया तो था बट मैं भूल गया। अब ये भाई आगे निकल गया यार, हाँ चलो सुन देगा। तो यहाँ से हो जाता है वो फॉरेस्ट वाला एरिया स्टार्ट, और बहुत ही प्यारा सा एरिया यार, बहुत ही प्यारा, मतलब 3-4 किलोमीटर तक ना बस ऐसा ही है। और अगर अभी बारिश पड़ गई ना, व्यू इतना मस्त सा होगा ना, एकदम प्यारा सा, बट हम लोग भीग जाएंगे यार। ये राहुल भाई कहाँ गया भाई, यार दिख भी नहीं रहा, कहीं रुक गया क्या कुछ खाना? अच्छा आ गया आ गया, मुझे लगा किसी कैफ़े में रुक गया खाने के लिए। भाई मैं तो आज कुछ खा के भी नहीं आया हूँ, क्योंकि मंदिर में जाना था ना, फिर मैंने बोला उसके बाद ही खाऊंगा, अभी तक मतलब मेरा फास्ट है। बस यहाँ एक चीज़ की कमी है कि यहाँ जो रोड है ना, ये सीमेंटेड है यार, तो इसमें भाई जो वाइब्रेशन आते हैं ना स्कूटी में, ऐसा धक 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 धक, ये देखो यहाँ पे एक बैंड है भाई, ये बहुत ही तीखा वाला बैंड है। इसको पूछता मैं, तो खाना खा के भी आया होगा क्या, नाश्ता करके आया था? अच्छा नहीं आया, चलता बस ठीक है। तो भाई वही तो मेरा भी तो व्रत है। वैसे यहाँ गाड़ी पार करने के लिए अंदर है, भाई बारिश पड़ने लगी पक्का, सच में भाई यहाँ बारिश पड़ने लगे। ओबे यार चलो एक बात तो ठीक है कि हम टेंपल में पहुँच गए, तो अंदर वहाँ शेड वगैरह होगी ना। हल्की हल्की बारिश आ रही। तो ये है भाई वो टेंपल माँ बाला सुंदरी का, तो अभी कहाँ पे पार करें, कहीं पे भी कर दे क्या? चलो साइड में कर देते हैं यार कहीं पर, यहाँ बीच में फिर लोग वगैरह आएंगे ना। बस भाई फाइनली गाइस वी आर हियर। तो देखो गाइस फाइनली हम मंदिर में पहुंच गए, और ये रहा आपका मंदिर। अभी हम मतलब बाहर है ना, अभी यहाँ पे मतलब शूज़ वगैरह उतार के अंदर जाएंगे, और मैं अंदर मंदिर के अंदर शूट नहीं करूँगा, बिकॉज मतलब वहाँ कैमरा वगैरह अलाउड होंगे या नहीं होंगे, बट मुझे खुद से पसंद नहीं है कि ऐसे मंदिर के अंदर ब्लॉगिंग वगैरह करना। तो इसका जो फ्रेंड आना था वो अभी आ गया है, एंड अभी शूज़ वगैरह उतारते अपने, एंड उसके बाद टीका वगैरह लगा के, एंड प्रसाद मिल रहा, भंडारा तो नहीं है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो बस प्रसाद वगैरह खा के फिर चले जाएंगे। तो यह मिलते हैं अभी। सो गाइस फाइनली हम मंदिर से दर्शन करके आगे, एंड अभी हम थोड़ा सा आगे गए थे भाई इधर, और अभी वहीं से हमने मोड़ लिया, क्योंकि ना हल्की हल्की बूंदा बांदी हो रही है, तो हमने बोला कि चलो घर चले जाते। मेरा घर तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पास है, बट इस भाई को थोड़ा सा मतलब दूर पड़ेगा, दूर पड़ेगा क्या, दूर ही है मतलब इसका घर। मैं रेन सूट वगैरह लेके तो आया हूँ, भाई का पता नहीं, भाई भी लाया होगा मे भी, अगर नहीं लाया होगा तो कोई बात नहीं, वैसे अभी लगता नहीं मुझे अभी बारिश पड़ेगी, एंड काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए हमारे। गाइज अभी बारिश स्टार्ट हो गई यार, मैं क्या करूँ, सेटअप वगैरह उतारू या रहन दूँ? अभी थोड़ा सा रहन देता हूँ, आगे पे कहीं पे कोई मतलब शॉप वगैरह होगी तो वहाँ पे रुक जाएंगे यार। इस भाई को पूछता हूँ मैं क्या करें, मैं रेन सूट वगैरह तो लाया हूँ ना, पर मुझे ऐसा लग रहा है मेरा अगर यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है बस, तो रेन सूट पहन के भी क्या ही फ़ायदा होगा। ओ भाई काफ़ी मोटी मोटी बारिश पड़ने लगी यार, क्या करे क्या करे। ओ भाई यहाँ आगे और तेज़ हो गई, ओ कितनी मोटी बारिश पड़ रही। इसको पूछता हूँ मैं क्या करें, अबे क्या करना वे, रुकना है कहीं पे, रुकते हैं कहीं पे। ओ भाई बहुत मोटी बारिश पड़ने लगी यार, मेरा कैमरा पूरा भीग जाएगा पता भाई। ओ यहाँ आगे हाल देखो, ये बारिश कितनी तेज बारिश पड़ गई। अबे यहाँ पे कहीं पे बैठने का भी नहीं है ना, पूरा खाली वाला एरिया ये देखो। ओ बहुत गाइस अभी बहुत मोटी पड़ गई, मेरा कैमरा अगर ख़राब हो गया ना सच में भाई बहुत लग जाएगी मैं क्या। ओ बहुत मोटी गाइस, अबे यार शिट शिट शिट। निकाल रहे हैं। सो गाइस अभी हम वहाँ से थोड़ा सा आगे आ गए, एंड यहाँ देखो मतलब बिल्कुल भी बारिश नहीं पड़ रही यार, बिल्कुल भी, मतलब मैंने तो पूरा सेटअप वगैरह उतार दिया और भाई ने भी उतार दिया भाई पूरा। वहाँ इतनी तेज़ बारिश पड़ी ना, मतलब भाई एक्सपेक्ट भी नहीं किया था हमने, और यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं आ रही। अभी यहाँ पर भाई को फ्यूल अप करवाना था ना, तो भाई ने फ्यूल अप कर दिया,
तो चलो भाई, भाई ने भी अपना गोप्रो फिर से लगा दिया जिस हिसाब से बारिश पड़ रही थी ना, उस हिसाब से भाई निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और एक बात आपको पता होगी कि जब भी गोप्रो केस में रहता है ना, ये उलांजी केस में मोटर व्लॉगिंग के लिए, तो तब वो वाटरप्रूफ नहीं रहता है। बट अगर नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल हमें व्लॉगिंग करनी है तो तब तो वाटरप्रूफ रहता है। तो अगर आपके पास भी गोप्रो वगैरह है तो कभी ये गलती मत करना कि आप यहाँ पर बारिश में भी यहाँ पर मोटर व्लॉग कर रहे हो। सो अभी मैं पहुंच चुका हूँ उसी चौक पे जहाँ पे मैंने भाई का वेट किया था। भाई रुका है ये? चल अच्छा रुका है ना, मिलते हैं फिर दोबारा। चल ठीक है ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा रुका था क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और थक भी गया हूँ मैं थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे से एक बर्गर लिया, तो मैंने बोला घर जाके वही खाएंगे यार, क्योंकि अभी घर जाके कुछ बनाने का मेरा मन तो करेगा नहीं। और घर जाके मैं अभी आराम भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अभी एक ब्लॉग एडिट करना है, 2 बजने वाले हैं यार, क्योंकि आज शाम को अपलोड करना है ना। तो बस भाई, अबे मैंने एक ग्लव्स पहना हुआ, एक नहीं पहना हुआ। अबे यार, मैंने पैसे देने के लिए निकाला था ना एक ग्लव्स। चलो कोई नहीं, यहाँ से तो घर काफ़ी पास है, अभी क्या ही पहनना। अभी देखो मेरे घर जाते इतनी तेज़ बारिश पड़ेगी ना, मौसम देखो कितना काला काला सा हो गया भाई। सो देखो गाइस, अभी थोड़ा थोड़ा बारिश पड़ने लगे तो मैं फिर से इस कैमरे को उतार देता हूँ। सो ओके गाइस, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपके वाला ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ हिट द लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो कॉमेंट विल फेवरेट पार्ट और एनी क्वेरीज वगैरह। सो तब तक के लिए बाई पुचिक।